स्पेशलिटी है ना किसकी, दिस ब्रॉड दिस बॉर्डर। तो ये देख करके आप कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई बी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है शादी की तैयारी डे 6 और ये देखिए टुडे दिस इज गोइंग टू बी 11:30 ऑलमोस्ट 35-40 गोइंग टू बी एंड नाउ आज जाना है मार्केटिंग। तो मेरी जितनी शॉपिंग है वो सारी हो गई है, आज जाना है गिफ्ट करने के लिए ना, गिफ्टिंग मटेरियल्स एंड जो भी हम ड्रेस दिए हैं, लिए लहंगा लिए हैं तो उसे ब्लाउज वगैरह फिटिंग कराने के लिए जाना है। तो नाउ आई एम रेडी, आप लोगों से मिलेंगे। जाने से पहले जस्ट टू अ रिचुअल, दिस इज इट। और अभी हम चप्पल पहने हैं, मेरी स्नीकर्स यहाँ है, दिस इज माई स्नीकर, वो अभी पहनेंगे क्योंकि मुझे कुछ ड्रेस नहीं खरीदना है, तो फिर चेंज करना होता है ना, तो स्नीकर्स ओपन करना है ऑल दैट आर क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए हम सैंडल पहनते हैं। दिस टाइम मुझे कुछ परचेजिंग नहीं करना, ओनली ऑल्ट्रेशन के लिए देना है एंड दे विल जस्ट टेक द मेजरमेंट एंड हो जाएगा, मुझे फिर से ट्राई वगैरह नहीं करना है। तो आज ऑल्ट्रेशन के लिए देंगे, तो प्रॉब्ली टुमारो दे विल बी गिविंग मी बैक। या तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इन द शॉप। फिर हम लोग मॉल के लिए निकल रहे हैं एंड यहाँ मॉल पहुँच गए हैं, CMR सेंट्रल। दिस इज़ ये मॉल हम आप लोगों को काफ़ी बार घुमाए हैं, तो वाइज़ाग की बिगेस्ट मॉल है। एंड ये देखिए ब्यूटीफुल डेकोरेशन, मॉल है कुछ उस डेकोरेशन होता ही रहता है, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड काम के लायक सामान मिल जाता है। एंड ये रिपब्लिक डे की फ्लैग होस्टिंग हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, इट इज़ सो बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। एंड नाउ अब अंदर जा रहे हैं एंड अंदर भी देखिए इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। जब भी हम मॉल जाते हैं ना, एंड ऑलवेज कुछ ना कुछ चेंजेस रहता ही है, या सो दिस टाइम अगेन कुछ अलग तरह से डेकोरेशन है। या एंड नाउ दिस इज ये दोनों, ये गिफ्ट दिए हैं, नाउ डन गोइंग बैक होम। सारी चीज हो गई है अंदर है, घर में दिखाएंगे आप लोगों को। हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई बी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली वीडियो जो आप लोगों को दिखाए हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड वो वीडियो बनाने के बाद आई टुक 2 डेज रेस्ट बिकॉज फिर हम नहीं गए, तो इसीलिए आज है मैरिज डे शॉपिंग, कुछ भी नहीं बिकॉज आज भी हम कहीं नहीं जा रहे। दिस इज द थर्ड डे हम नहीं जा रहे। एक्चुअली रीजन है नहीं जाने का क्योंकि मेरी कार खराब हो गई है एंड वो गैरेज में गई है। आई वॉज रेडी तो गैरेज में गई है, आई थॉट कि चलो 3 दिन रेस्ट हो जाता है, हो गया है। तो ठीक, तो आप लोगों को दिखाते हैं ना, मेरे अमेजन से मंगवाए थे डाइनिंग टेबल मैट एंड रनर, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, वो अनबॉक्सिंग करेंगे आज, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं आई एम इन द ड्राइंग रूम एंड टाइम देखिए दिस इज 1:20 गोइंग टू बी एंड ये देखिए अमेजन से ये हम मंगवाए हैं एंड दिस इज डाइनिंग टेबल मैट एंड रनर एंड देखिए कैसा रैप है, इन लोगों ने रैप किया प्लास्टिक में, जनरली कार्टून वगैरह में रैप करके आता है ना, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से पैकिंग में आया है। या तो अभी मेरे बेटे की टाइम हो रही है स्कूल से आने का, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, डाइनिंग टेबल में लगाएंगे एंड उसके लिए सरप्राइज भी रहेगा। उसे पता भी नहीं है कि ही इज गोइंग टू, ये डाइनिंग टेबल पूरी चेंज हो जाएगी। तो अभी तो ये यहाँ रख दे रहे हैं, थोड़ी देर में वो आने में उसे है भी थोड़ी सी टाइम। तो जनरली आप लोगों से यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं इन द इवनिंग, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं आप लोगों। तो पिछले वीडियो में ना मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, बट मुझे ज्वेलरी खरीदना था, तो पिछले 2 दिन पहले जो गए थे आप लोग, तो उसमें मुझे मेरी ज्वेलरीज मिली एंड पूरी, वो भी पूरी सेट नहीं मिली, जस्ट नेकलेस एंड इयर रिंग मिला, दैट इज रियली ब्यूटीफुल। मेरी लहंगा से मैचिंग है, लहंगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे जब पहनेंगे तब, कुछ कुछ तो दिखाए हैं ना उसमें, जितनी लहंगे हम आप लोगों को 1-2-3 वीडियो से पहले दिखाए हैं ना, तो उसमें वन ऑफ देम हम डेफिनेटली बाय किए हैं, लेकिन कौन सी किए हैं दैट आई एम गोइंग टू शो यू जब हम पहनेंगे। थोड़ी सस्पेंस रहनी चाहिए ना। तो गिफ्ट करने के लिए भी साड़ी लिए हैं, फिर सलवार सूट मटेरियल लिए हैं, बिकॉज रेडीमेड नहीं लिया, आई थॉट कि रेडीमेड लेंगे, पता नहीं रहता ना कि साइज आएगा नहीं आएगा। बॉक्सिंग करते हैं अपनी डाइनिंग टेबल मैट की एंड उसमें रनर भी है, यू नो
तो मेरे पास एक्चुअली है रनर, तो दैट इज फ्रॉम लॉस एंजल्स से हम लेकर आए थे, तो वो ओकेजनली हम लगाते हैं बिकॉज किसी को जब बुलाते हैं ना तब हम लगाते हैं, अदरवाइज हम हटा देते हैं बिकॉज दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर हम लोगों का खाना है ना हल्दी वल्दी लग जाएगा एंड ऑल दैट, तो बहुत केयरफुली यूज करते थे करते हैं, और जब कोई आता है तो यूज करते हैं, देन समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स फिर हटा लेते हैं, बट दिस रनर आई एम टू कीप इट, बट वो कलर इज नाइस, इट्स देयर, कलर तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी। एंड दिस इज आई एम गोइंग टू ओपन दिस, देखकर तो पैकिंग अच्छे से है, एंड एक ये दोनों है, तो देख लेट्स सी ये क्या है। या और ये मैट है जो सिक्स मैट आती है ना, एंड ये इंडिविजुअली ऐसे है, एंड दिस इज रनर, वो बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो बताइए कैसा लग रहा है मेरी फाइनल लुक। एंड नाउ लंच टाइम, चलिए किचन। आलू को प्रेशर कुकर में बॉयल कीजिए, स्किन पील कीजिए एंड पीसेस में ब्रेक कीजिए, कढ़ाई में सरसों तेल दीजिए, बरी डालिए, लाइट रेडिश होने तक फ्राई कीजिए। कढ़ाई में सरसों तेल दीजिए, 5 फोरन, तेज पत्ता, ऑनियंस डालिए, कटे हुए बैगन डालिए, सौते कीजिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, अच्छे से कुक कीजिए, बॉइल्ड पोटैटोस डालिए, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर मिला करके अच्छे से कुक कीजिए सो दैट मसाला पक जाए। अब बरी डालिए, सबको अच्छे से सौते कीजिए, बीच में स्पेस बना करके टोमेटोज डालिए, नमक दीजिए, 5 मिनट के लिए सिम में कुक होने दीजिए, 5 मिनट के बाद टमाटर गल गई है, सब टमाटर को पेस्ट जैसा बनाइए, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए, हाई फ्लेम में 1 मिनट कुक कीजिए सो दैट टोमेटोज कुक हो जाए, पानी डाल करके ब्रिंग इट टू अ बॉयल। बैगन आलू बरी की सब्जी इज रेडी, सब्जी नाव बन गई है और अपने सर्विंग बोल में निकाले, लेकिन हम इतना खाते नहीं हैं, वो वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे सो दैट रेसिपी कम्प्लीट लगे, अदरवाइज एक रोटी सब्जी भाजी सैलड ही खाते हैं। तो यार टी टाइम है, मेरी चाय बन गई है, थोड़ी सी डार्क लग रही है ना, तो एग्जॉस्ट की लाइट ऑन कर लेते हैं, थोड़ी सी रोशनी आए। एंड बताइए मेरी डाइनिंग टेबल सेट कैसी लगी, या लाइट हो गई ना, दिस इज मोर क्लियर, आई कैन सी, मेरी डाइनिंग टेबल मैट एंड रनर कैसी लगी, है ना नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। या तो चलिए मेरी चाय हो गई है, एंड आज आप लोगों को दिखाते हैं कि गिफ्ट में हम क्या क्या खरीदे हैं, अपने लिए भी खरीदे हैं ज्वेलरी एंड गिफ्ट के लिए भी खरीदे हैं। तो यस दिस इज माय टी रेडी, वो टी बनाने के समय हम वीडियो नहीं बनाए बिकॉज ना मोबाइल में आई वाज टॉकिंग टू समवन। ओ या और एक चीज और, आज अमेज़न से मुझे एक और आया है, मंगवाए थे ना, मेरा सिलिकॉन स्पैचुला जो होता है ना वो टूट गया था, इट वाज ब्रोकन, तो दूसरी मंगवाए हैं, ये देखिए दिस इज सेकंड सिलिकॉन स्पैचुला, इस तरह से है, एंड इसकी वुडन ना हैंडल ना वुडन की, ये वुडन की मंगवाए सो दैट आई कैन कुक, एंड फिर ऐसे ही रख देंगे तो ये लगेगा भी नहीं, तो ये है ना अच्छा, एवरीफॉर एवरीथिंग इज गुड नाइस। या चलिए ड्राइंग रूम में, एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से। या एंड आप लोग बताइए मेरी लिपस्टिक की कलर कैसी लग रही है, दिस इज पर्पल इन कलर, इस बार पर्पल लगाए हैं, इतनी सारी लिपस्टिक्स है ना मेरे पास कि दिस टाइम आई थॉट कि चेंज कर ले, तो पर्पल कलर की लगाए। या ये मेरी ज्वेलरी है वो दिखाएंगे, पहले गिफ्ट की दिखा देते हैं, सलवार सूट है ये, दिस इज सलवार सूट, दिस इज कलमकारी सलवार सूट, कॉटन में है, तो सिंस हम आंध्रा में रहते हैं तो किसी को गिफ्ट करना चाहिए तो कॉटन आई मीन वहाँ की टिपिकल चीज देना चाहिए ना, तो जनरली तो हर चीज हर जगह मिलता है बट देन टिपिकल जो जिस चीज की फेमस है वो चीज जरूर देना चाहिए, तो दिस वन आई डिसाइडेड दिस इज कॉटन की है, दिस इज दुपट्टा, एंड थोड़ी सी खोल देते हैं, पूरी नहीं खोलेंगे बिकॉज अच्छे से पैक किया रहता ना, फिर उतना फोल्ड नहीं कर पाएंगे। या ये दिस इज ब्यूटीफुल फ्लोरल ना, मुझे फ्लोरल ही चाहिए था बिकॉज कलमकारी टिपिकली फ्लोरल ही होता है, तो दिस इज दुपट्टा एंड दिस इज सलवार, ये भी फ्लोरल एकदम प्लेन है, ये प्लेन नहीं है पूरे इसी तरह से है, एक फोल्ड आई कैन ओपन दिस वे, ये सलवार है, ओ एक्चुअली खोल तो सकते हैं बट देन फोल्ड करना मुश्किल है, एंड देन दिस इज कुर्ता, सो या ऐसे ये कुर्ता है प्लेन है, एंड दिस इज सलवार, ओ खुल ही जा रहा है, दिस इज सलवार एंड दिस इज दुपट्टा, ये सेट है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सोबर एंड कूल, ये इज ब्यूटीफुल सेट,
एंड देन एक पट्टू साड़ी है आंध्र प्रदेश की, अगेन यू नो ये साड़ी लिए हैं, पट्टू साड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश की फेमस है, जैसे तमिलनाडु की कांजीवरम है वैसे आंध्र प्रदेश की पट्टू साड़ी होती है, सिल्क होती है कांजीवरम के जैसा तो नहीं, भी कांजीवरम में तो सिल्वर एंड सिल्वर की थ्रेड में गोल्ड प्लेटिंग किया रहता है ना, ये जरी रहता है। एंड इसकी स्पेशलिटी ना कि इसकी बॉर्डर्स जो है ना, बॉर्डर्स आर वेरी ब्रॉड, ये देखिए कितना ब्रॉड है बॉर्डर, एंड पर्पल एंड गोल्डन में है ये, हम खोलेंगे नहीं, आप लोगों को देख लीजिए ऐसे इस तरह से, एंड आंचल ऐसे कॉन्ट्रास्ट में है, ब्लाउज पीस दिया हुआ है एंड इट इज लाइक दिस, थोड़ा सा खोल देते हैं लाइक दिस। अब मैरिज में दे रहे तो थोड़ी सी जरी वर्क वगैरह अच्छा लगता है ना, एंड स्पेशलिटी ना कि इसकी दिस ब्रॉड दिस बॉर्डर, दिस इज रियली यूनिक थिंग अबाउट इट, तो जिन्हें मुझे देना था ना तो उसे मैं दिखा दी वीडियो कॉल करके, ना शी लाइक इट सो मच, सी सेड सॉरी व्हाट एवर यू लाइक आई लाइक योर चॉइस, तो तुम कुछ भी खरीदो आई एम गोइंग टू आई विल लाइक इट, सो स्वीट। तो ये है जिसकी शादी में हम जा रहे हैं ना, उसकी मम्मी की के लिए है, जिस लड़के की शादी में जा रहे हैं ना उसकी मदर की है। दिस इज मेरी ज्वेलरी, मेरी लहंगा की ज्वेलरी है, दिस इज माई नेकलेस, ये देखिए हम नजदीक से दिखा रहे हैं, ये रानी कलर की स्टोन है और नीचे जो हैंगिंग है ना ये दिस इज ग्रीन कलर में है, तो दिस इज माई नेकलेस, तो ये देख करके उल्टा दिखा रहे हैं नहीं ठीक है, तो ये देख करके आप लोग गेस कर सकते हैं कि मेरी लहंगा कैसी होगी, बहुत ही अच्छा है नेक से ऐसे सटा हुआ, एंड मुझे ना बहुत हेवी ज्वेलरीज नहीं पसंद है, बिकॉज लहंगा इटसेल्फ इज सो हेवी कि अगर हम हेवी इयररिंग, हेवी ये, हेवी ये ब्रेसलेट्स एंड यू नो ये सब पहन लेंगे तो मेरे बहुत अनईजी लगता है, इसीलिए ना उससे मैचिंग स्मॉल हम लिए हैं। एंड दिस इज माय इयररिंग, ये देखिए ये हम यहाँ लगा देते फिंगर ऐसे, या ये देखिए दिस इज इयररिंग अगेन, यहाँ पे पिंक है एंड ग्रीन है, छोटी सी है स्मॉल बट वेरी नाइस, हाँ दिस लुक्स गुड ना, वो पहनेंगे ना तब अच्छा लगेगा, सो ब्यूटिफुल, या आई लाइक इट, एकदम बहुत सोबर है, बहुत बड़ा भी नहीं है, यू नो इतना इतना लटका लटकन झटकन, यहाँ इतना लंबा फिर कान में इतना फिर कान से पीछे करो, मुझे ना अनईजी लगने लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी शादी शॉपिंग नेक्स्ट बार हार्डली वन डे या मैक्सिमम टू डेज रहेगी, या उसके बाद आई विल बी डन, आई विल बी फ्री, उसके बाद पैकिंग वगैरह करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे जो भी होगा डेफिनेटली शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी शॉपिंग शेयरिंग माय शॉपिंग फॉर मैरिज एंड शेयरिंग इट ऑल विथ यू, एंड देन आई एम गेटिंग सो लवली कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल, या तो बहुत लोगों ने गेस किया कि आपने पहला वाला लहंगा लिया, आपने सेकंड वाला लिया, तीसरा लिया, प्लीज़ बताइए, ऐसे नहीं यार डेफिनेटली बताएंगे बट प्लीज़ वेट, या इंतज़ार करने में मज़ा है ना, या वो तो शादी में ही दिखाएंगे जब हम पहने लेंगे, चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।